ट्रीटमेंट होने के बाद में भी उनका खाना का क्वांटिटी बहुत कम था। असल में उनको पहले जो है खाना जो है ब्लॉक हो गया उनका। अब यहाँ पे लाने के बाद में जब पेट स्कैन करे तो पता चला कि जो है ये जो है पैनक्रियाटिक कैंसर है ये। वेलकम टू नेचर क्यूर। इकड़ा पेशेंट वाला बंधु उन्नारु, तनु ऑलरेडी फर्स्ट मंथ फिनिश चेसुकुन्नारु। ఫస్ట్ మంత్ వచ్చే ముందు తను సార్ ఎలాంటి లక్షణాలతో వచ్చారు, వాళ్ళకి ఫస్ట్ మంత్ వాడాక వాళ్ళకి ఎలాంటి రికవరీ ఉంది అనేది సార్ మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం సార్. వాళ్ళకి అయితే తెలుగు రాదంట, హిందీలో అయితే అడిగి తెలుసుకుందాం సార్. నమస్తే, ఆప్కా నామ్ సార్? మేరా నామ్ షేక్ వసీముద్దీన్ హై ఔర్ మే ఒడిశా సే హూ ఔర్ మేరే పాపా కు జో హై పెన్క్రియాటిక్ క్యాన్సర్ హై. ఉస్కే బాద్ మే బహుత్ వీక్నెస్ థా ఔర్ ట్రీట్మెంట్ హోనే కే బాద్ మే భీ ఉన్కా ఖానా కా క్వాంటిటీ బహుత్ కమ్ థా और सेल्फ ड्राइव भी नहीं कर सकते थे बाइक वगैरह, और पूरा बदन में कमजोरी था. तो हम लोग वेबसाइट से और हमारे वहाँ पे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, दे ऑल्सो रिफर कि आप लोग जाइए हैदराबाद में बेस्ट पुनर्जन जो है कैंसर के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाइए. और फर्स्ट टाइम हम लोग आए हुए थे, फर्स्ट मंथ का जो है मेडिसिन लिए थे. लेने के बाद में जब हम लोग फर्स्ट मंथ देखे कि कैसा इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, उसके हिसाब से विल डिसाइड टू कंटिन्यू और वी हैव टू एबॉर्ट. बट लेने के बाद में जो है अभी फ़िलहाल दे इनिशियली वो एक चपाती ले रहे थे, रोटी ले रहे थे, अभी जो है तीन चार खा ले रहे हैं और सेल्फ ड्राइविंग भी कर पा रहे हैं. और उसके बाद में अपना खुद वर्क हर चीज़ जो है बहुत इम्यूनिटी उनका बहुत बूस्ट हो गया है और ही इज़ फीलिंग मोर बेटर, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं अभी वो. पहले कौन सी लक्षण रहते थे सर कैंसर बोल के आपको कैसे समझ में आया? हॉस्पिटल पहले से आपको लगता ना ऐसा है प्रॉब्लम, इसीलिए हॉस्पिटल को जाना पड़ता बोल के रखता ना, वो कैसे था? असल में उनको पहले जो है खाना जो है ब्लॉक हो गया उनका, खाना अंदर नहीं जा रहा था, तो पहले ब्लैक टूल्स होना शुरू हुआ तो उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आया. फिर उसके बाद में जब जो भी खाना खा रहे थे तो वोमिटिंग हो जा रहा था पूरा उनको. तो उसके बाद में हम लोग जब ट्रीटमेंट करे तो एंडोस्कोपी करे तो वो लोग बोले कि जो है खाने का नली जो है वो जो है ब्लॉक हो गया है, उसको साफ करना पड़ेगा. फिर तो एक मर्तबा करे तो फिर थोड़ा खाना अंदर गया, इसी तरह सेकेंड टाइम करे, थर्ड टाइम में पूरा चोक हो गया, बंद हो गया और ओनली पानी जो है वो जा रहा था, बस खाना पूरा ब्लॉक हो गया और वो पूरा वीक हो गए, अपने खुद से पैदल भी नहीं जा पा रहे थे और हालत बहुत क्रिटिकल हो गया. अब यहाँ पे लाने के बाद में जब पेट स्कैन करे तो पता चला कि जो है ये जो है पैनक्रियाटिक कैंसर है ये. मतलब सर कुछ ऐसा है क्या, कौन सी स्टेज है, कैसा हो गया आप सर को कुछ बैड हैबिट्स, मतलब पीना सिगरेट का वो कुछ बैड हैबिट्स है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी उनको ना इनिशियली से ना ड्रिंक्स ना स्मोक्स कुछ भी नहीं है उनका पूरे, मगर कुछ भी नहीं, मगर खाना बहुत कम खाते थे. मेरे फिजिकल वर्क्स जो है उतना नहीं है घर में, तो बस नमाज को जाना घर को आना ऐसे, तो इसलिए फिजिकल वर्क्स मे बी आई डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज वाई इट्स केम. तो हमारे जो है पूरे जो है खानदान के अंदर में फर्स्ट है ये, फर्स्ट केस है, सो वी आर ऑल्सो नो आइडिया बिफोर. इधर आने के बाद डॉक्टर्स और क्या बोले सर? हाँ डॉक्टर से बात करके बहुत अच्छा लगा. तो जो है लाइफ स्पैन का भी मैं हम लोग को वही एक सबसे पूछते रहते हैं कितना लाइफ स्पैन क्या है क्या नहीं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं इसको लेने के बाद में तो बहुत जैसे नॉर्मली एज यूजुअल जैसे लाइफ है पूरे सेम ऐसे ही हो गया. अभी तो फिलहाल पूरा जैसे फिट थे पूरा हो गया. अभी खाना उठना अपना खुद का, अपने खुद दुकान जा रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं, हर चीज़ अपने सेल्फ कर रहे हैं वो. तो किसी का वो लोग अभी किसी का भी हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद वॉकिंग करके अपना टॉयलेट बाथरूम हर चीज़ खुद कर रहे हैं. अभी बहुत इम्प्रूवमेंट आया. बाहर और मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, खाली ये पुनर्जन का यूज़ कर रहे सर? नहीं जैसे केमोथेरेपी चल रहा है उसके उसके ऊपर में ये ले रहे हैं अभी. हाँ सर और कुछ पहले से अंकल क्या करते थे? उनका टेलरिंग है, टेलर मास्टर हैं वो, तो टेलर मास्टर वहाँ पे जाते बस कपड़ा कटिंग करते, दुकान में बच्चे लोग हैं वो पूरा सिलाई वगैरह सब करते रहते हैं. ओके सर, आप तो अभी पहला महीना हो गया, पहले महीने में इतना रिकवरी है ना, और सिक्स मंथ्स के बाद फिर आपको पेट स्कैन कुछ ऐसा बोले ना, वो रिजल्ट्स अच्छा आने के बाद रिजल्ट्स लेके फिर हम इधर आके दूसरों को बोलेंगे सर आपका बात और दूसरों को भी यूज़ हो जाते हैं ना सर. ओके सर, थैंक यू.